कुछ हुआ? कुछ नहीं पुलकिता, याद है वो दिन जब मृणाल एक नौकरी के लिए पागलों की तरह भागता रहता था? हाँ, क्यों नहीं होगा। मधु, कुत्ता यहीं पे रख कर जाता हूँ, जरा फार्म होकर आता हूँ। हाँ भाई, ठीक है, चलो। यहाँ पे इतना शांति है ना, कितना अच्छा लग रहा है। तुम्हें तो ये सब अच्छा ही लगता है। एक काम करते, तुम्हारे लिए यहीं पर एक घर बना देते हैं। बढ़िया होगा। तुम वहाँ पे रहकर ये सीरिया, पेड़ पौधे, ये सब लेकर कविता लिख के रहना। खाली घर में बैठ के कविता ही लिखनी है? मुझे तो खेती, मीन पालन, ये सब करनी है। अच्छा। चलिए, नीताएं हम लोगों को देख के बहुत खुश हो जाएंगे। अचानक कैसे आना हुआ? बहू, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। आओ ना, बैठो। सुबह से बोल रही थी, फार्म जाना है, इसलिए ले आया। अच्छा ही किया। स्कूल छुट्टी होने के बाद मैं आके ले जाऊंगा। वैसे शिखा कहाँ है? वो तो स्कूल गई है। ओ रुनो, देखो तो सही कौन आया है। अरे भाभी, आप लोग कितने दिनों के बाद आए हैं। निताई, मैं चलता हूँ। बैठिए भैया, चाय पी के जाइएगा। नहीं नहीं, स्कूल के लिए मुझे देर हो जाएगी। कोई बात नहीं, स्कूल छुट्टी होने के बाद ये आ जाएगा। ठीक है, मैं अब चलता हूँ। चलता हूँ। हाँ। अच्छा रुनो। जी भाभी। ये सीखा के लिए फ्रॉक है। इसकी क्या जरूरत थी भाभी? कोई बात नहीं। और ये तुम्हारे लिए चादर। अच्छा, तुम लोग बातें करो, मैं हाथ मुंह धो के आता हूँ। ठीक है। अच्छा सुनो ना, ये फ्रॉक को खोल के देखो तो। बड़ा होगा क्या? वैसे भी वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, बड़ा होने से ही अच्छा है। कोई बात नहीं, अभी तो उसके बढ़ने का समय है। उम्र से कुछ ज्यादा ही बड़ी हो रही है वो। कोई बात नहीं, कुछ दिनों के बाद उसकी शादी करवा देंगे। वैसे उसकी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? पढ़ाई पे हम लोग क्या नजर दे सकते हैं, वो हमारे गाँव के कल्याण है ना, वो बीच बीच में आके पढ़ाते है उसे। हाँ, उसने कहा है वो मैट्रिक में अच्छा ही रिजल्ट करेगी। रुनो, तुम लोग ऐसे बातें ही करती रहोगी या चाय नाश्ता का इंतजाम भी करोगी? भाभी आप बैठिए, मैं चाय बना के लाती हूँ। चाय की कोई जरूरत नहीं है, मैं दोपहर को खाना खाऊंगी।
अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। कुछ खास जुगाड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर मैं तालाब से मछली उछली पकड़ के लाता हूँ। मैं भी चलूंगी। अच्छा चलो मैं जाल निकाल लेता हूँ। चलो हम लोग भी देखते हैं आज हमारे नसीब में कौन सा मछली है। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। वो जो घर देखा है ना वहाँ से ये गांव शुरू होता है। अच्छा, ये जमीन यही पे हम लोग धान का खेती करते हैं। और वो जो ऊंची जमीन देखा है ना वहाँ पर आलू का खेती करते हैं। वो दिया था ना आलू वही का ही है। हाँ हाँ, अच्छा। और ये बगल वाला जमीन, ये एकदम बेकार जमीन है, लेकिन उसके पीछे जो है ना वो बढ़िया है। आज सुबह ही वहाँ पे हाल चलाया। अच्छा, तुम भी खेती करती हो? इनके साथ मैं तो करती ही हूँ काम। कभी कभी सिखा भी स्कूल बन रहने से कुछ ना कुछ कर देती है। और आजकल वैसे भी खेती बाड़ी करने के लिए लोग मिलते ही कहाँ है भाभी। बहुत मुश्किल हो गया है लोग मिलना। अच्छा चलो, देर हो रहा है, चलो चलिए। किचन लग जाएगी। कोई बात नहीं। आपको भी मछली पकड़ने का आदत है? हाँ, बचपन में जब स्कूल बंद होता था तब मामा के घर पे चली जाती थी गांव में, और नाना जी के साथ निकल जाती थी मछली पकड़ने के लिए। अच्छा। रुको रुको, इस बार फिर से मारेंगे, बढ़िया सा मछली लाएंगे।
हिमाल, एक स्प्रे मशीन बहुत जरूरी था। जल्दी सही है क्या? हाँ, इस समय स्प्रे करने से अच्छा है, नहीं तो खेत में कीड़े लग सकते हैं। समय पर तो स्प्रे करना ही पड़ेगा। कल तो नहीं होगा, कल स्कूल में कुछ मीटिंग है, परसों मिल जाएगा। तो एक काम करते हैं, परसों तक मैं आके खुद लेके आता हूँ। अरे नहीं नहीं, आपको अभी जाना नहीं चाहिए, अभी तो खेती बाड़ी का समय है। और वैसे हम दोनों आके आज आपका बहुत सारा समय बर्बाद किया। मैं एक काम करती हूँ, मैं मृणाल को भेज देती हूँ, है ना? भाभी, ये लीजिए घर का नींबू। अरे नींबू, ये तुमने बहुत अच्छा किया, इनको नींबू बहुत पसंद है। रुनो, इधर लाओ। अरे सिखा, आगे आओ मेरे पास आओ। हम लोग निकलने वाले थे। चलो हम लोग निकलते हैं। चलिए ठीक है। मछली लेकर। हाँ ठीक है। और रोनो, खेती बाड़ी का काम खत्म करके तुम शिखा को लेके एक बार हमारे घर पे आना। ठीक है भाभी। और शिखा, अभी निकलते हैं, पढ़ाई लिखाई अच्छी तरह से करना। हाँ। ठीक है। और इसकी पढ़ाई लिखाई में कोई कमी नहीं होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई के लिए जो भी सामान चाहिए तुम हमको बेझिझक बोलना, ठीक है? और फॉर्म फिल अप का पैसा मैं मृणाल के हाथों भिजवा दूंगी। अभी निकलती हूँ। सिखा, मैं उन लोगों को आगे छोड़ के आती हूँ, खाना निकाल के रखा है, खा लेना। ठीक है। ठीक है माँ, चाची आती रहना। ठीक है, जाओ तुम खाना खा लो। से परेशान है, चाहते हैं डॉक्टर की सलाह, तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के, घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। मतलब तूने हल चला लिया? हाँ, पिपिन का खेत का काम हो गया था। हाँ। और ट्रैक्टर ऐसे ही पड़ा था, मैंने बोला 2 दिन के लिए मेरे खेत में भी ट्रैक्टर चला दो। हाँ। अभी पिपिन का बात मुझे टाल नहीं पाया, इसलिए हल चला दिया। अच्छा, मास्टर बाबू आज फार्म में आए थे, वो भी पूरे परिवार के साथ। काका कैसे हो? देखो बेटा, हम में आए थे। हाँ हम आया था। अरे स्कूटर में लटका दो ना। काका आप लोग बैठिए। ठीक है बेटा।
तालाब की मछली बड़ी हो गई है। एक ही मिला था, वो भी विमल को दे दिया। चलो अच्छा किया। अच्छा काका चलते हैं, चलो। ऐसे बोल रहा था जैसे हम लोगों को कुछ देना ही पड़ेगा। वो कम मेहनत करता है क्या? सुबह से शाम तक लगा रहता है, उसका बीवी भी उसके साथ लगी रहती है। जैसे मेहनत करता है वैसे फल भी तो खाता है। हाँ सही बोला। अजी क्या कर रहे हैं, इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? अंदर कल्याण पढ़ा रहे हैं। ठीक है ठीक। अच्छा भाभी। हाँ? आपने अभी ब्रेकफास्ट में जो सब्जी बनाया था बहुत ही बढ़िया था। क्यों नहीं होगा, सारा का सारा सब्जी जो कल फार्म से लाया था। अच्छा, और कल रात को आपने जो मछली बनाया था उसके बारे में मैं क्या बताऊं? टेस्ट ही कुछ अलग था। तुम्हें पता है मीना, फार्म में सब कुछ मिलता है, तुम लोग जाते नहीं हो। एक बार जाके देखो, अगर फार्म को अच्छी तरह से देखभाल करोगे तो घर चलाने में थोड़ा सा सहायता मिलेगा, और नीताई जी को भी अपना घर चलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरा सामान लाओ तो। हाँ। रिजल्ट के बारे में कुछ पता चला? कल सुनने को मिला शायद इस महीने का लास्ट तक रिजल्ट निकल जाएगा। हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में कितने पोस्ट खाली हैं? हाँ दो। यहाँ पे होता तो अच्छा था, घर वालों से भी मिलता और सारे दोस्तों से भी, है कि नहीं मीनल? ये लीजिए। इस बार नौकरी होने से अच्छा था, मृणाल बहुत उम्मीद लेके बैठा है। वही तो। परिमल हजारिका ने कुछ कहा है क्या? वैसे तो कुछ बोला नहीं है, जैसे वो बोला है वैसे तो होना ही चाहिए, अपने होने वाले दामाद के लिए वो तो कर ही रहा है। अच्छी बात है। ठीक है मैं चलता हूँ। ठीक है। सुनिए ना। हाँ बोलो। वो स्प्रे मशीन खरीदने के लिए जो पैसे देने वाले थे वो क्या हुआ? लेकिन वो जाएगा क्या? क्यों नहीं जाएगा, उसको भी एक दो जिम्मेदारी देना चाहिए, तभी तो वो सीखेगा। मैं बाद में देख लूंगा। ठीक है। अच्छा ठीक, मैं चलता हूँ। हाँ हाँ वही बात है। ठीक है तुम अभी कहाँ पे हो? ओके हाँ, एक काम करना, शाम को मिलते हैं। ठीक है मृणाल। मृणाल। हाँ भाभी मैं यहाँ पे हूँ। अच्छा सुनो ना। हाँ भाभी। तुमको अभी फार्म जाना है और जाके निताई जी को कुछ पैसे देके आना है। वैसे आज तुम्हारा लोडिंग और अनलोडिंग का काम तो है ही। भाभी आप भी ना। अच्छा हाँ हाँ, वो काम के साथ ये काम भी निपटा लेना, और हो सके तो प्रीति को भी साथ में लेके जाना, वो तालाब के किनारे बैठ के दोनों आराम से डेटिंग मारना।
भाभी आपको नहीं लगता कि कुछ ज्यादा ही हो गया? हाँ हाँ मुझे पता है, इतना शर्माओ मत। अच्छा ठीक है, अभी जल्दी से रेडी हो जाओ। ठीक है भाभी। मिनाल। कैलान कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। फिलहाल कहाँ जा रहे हो? आज बुधवार है ना, मंदर के बाजार में ये सरसों बेचने जा रहा हूँ। हाँ। अच्छा भाव मिलेगा नहीं, फिर भी बेचना पड़ेगा। क्यों? यहाँ पे ये सब ठीक से रखने का कोई सुविधा नहीं है, अगर होता तो सही समय पर सही भाव पे बेच सकते थे। अच्छा कैलान, तुमने भी तो सिविल सप्लाई ऑफिस में इंटरव्यू दिया था ना? हाँ, क्यों रिजल्ट निकला क्या? शायद इस महीने का आखिर तक निकलेगा। पता नहीं क्या होगा, नौकरी ना मिलने से मैं क्या करूंगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मैंने फैसला कर लिया है, ये मेरा आखिरी इंटरव्यू होगा। नौकरी लगी तो लगी, वरना इसी खेती बाड़ी में अच्छी तरह से लग जाऊंगा। अच्छा मिनाल, मैं चलता हूँ, बाजार पहुँचते पहुँचते देर हो जाएगा। ठीक है चल। एक पावर टिलर का जुगाड़ हो सकता है क्या? पावर टिलर होने से खेती करने में बहुत आसानी हो जाता। आते जाते हुए मैं सब पे नजर रखता हूँ। मैं तो आप लोगों को बता ही चुका हूँ, मैं आप लोगों के साथ हूँ। बस मृणाल का नौकरी हो जाए, फिर उसके बाद उसका शादी करवा देंगे।